हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखेंगे न्यू महिंद्रा एसयूवी ऑल डिटेल्स। चलो, नहीं आ रही है इसका मतलब आ गई है कि आ रही है, क्या है भैया स्टोरी, वो भी पता करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये गाड़ी के अंदर कोई इंसान बैठा नहीं है और फिर भी गाड़ी चल, ये एसयूवी देख रहे हो, क्योंकि ये है महिंद्रा की B60 और साथ में है XUV9E। आज आपको इन पे डिटेल वीडियो मिलने वाला है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ये एसयूवी तो लगने भी छोटी लग रही है। लेट्स गो। इस गाड़ी में आपको ब्रांड न्यू चाबी आती है जिसमें लॉक अनलॉक, अरे वाह, बूट ओपन, एसी ऑन और फ्रंट एंड बैक जाने का फीचर भी दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। तो अगर आप स्टाइलिश ये बटन दबाएंगे तो इससे आपकी गाड़ी आगे जाती है, फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे। दूसरा वाला बटन दबाएंगे जो ये है, इससे आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। सो वाह, ये चीज है यूज किया इस पे एंड वो गाड़ी, दोनों पे आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं विद द एक्सटीरियर। रुकवानी हो तो अब ये जो है टेक्निकली 4.3-4.4 मीटर गैराज से खुद ही निकल के आ गए। बट देख के लगता है कि बहुत ही अलग है गाड़ी। नहीं, देखने तो बड़ी अच्छी है। फ्यूचर की लग रही है यहाँ पे आप एक्चुअली। ओए, ये क्या हुआ, मतलब घबराई गई। मैंने कहा ये नीचे से कौन निकला। पी बैजिंग दी गई है, यू डोंट गेट महिंद्रा बैजिंग कहीं पे भी फ्रंट में। ओके, इसकी अगर आप लाइट्स देखते हो गाड़ी की, तो आपके पास दो लाइट्स है। एक तो आपकी डे टाइम रनिंग एलईडी है जो ये है, और ये रहा आपका नॉर्मल हेडलाइट व्हिच इज एलईडीज अगेन। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। इसके फ्रंट में टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, एक दो, उसकी वजह से वो पार्क पूक कर पा रही है अपने आप। आपके पास आ जाता है यहाँ पे कैमरा फॉर द रेडार, और साथ में आपके पास वाइपर्स भी जो मिलते हैं वो हाई क्वालिटी वाले। इतनी छुटकू से वाइपर मिलते हैं, व्हिच अगेन ये कैसे पहुंचेगा। इस गाड़ी को आगे भी अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है, देखियो। गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखते हैं, ऐसी गाड़ी आपने नहीं देखी होगी पहले। व्हील्स कितने अच्छे हैं, डिफरेंस इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी दिखती नहीं है। हमने तो यूएसए में भी नहीं देखी, इलेक्ट्रिक है थोड़ी बहुत, बट लुक एट दिस स्टाइलिंग, ये बहुत ही यूनिक इंजन का है, इलेक्ट्रिक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 19 इंच के ये अच्छे लग रहे हैं अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है, आप 20 इंच के भी ले सकते हो इफ यू वांट टू। तो अगर हम इसके मिरर को देखते हैं तो ये ग्लॉसी फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपके पास कैमरा दी गई है, एंड व्हाट यू गेट हियर इज अगेन एन ADAS फीचर टू। ओके, ये रहा आपका फ्लश डोर हैंडल जो हमने 700 में भी देखा है। अब आपसे एक सवाल पूछूं, पीछे का दरवाजा ही नहीं, हैंडल ही नहीं है। कार लोन्स के लिए भी उतना रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो, क्योंकि आज आपको कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर हम रेकमेंड करें, दरवाजा तो दिख रहा है, मोस्ट सिटीज एंड मोस्ट टाइप ऑफ प्रोफाइल्स के लिए होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, या फिर इवन खुद का बिजनेस करते हो। अब इसमें एक बहुत अच्छा फीचर आता है, दरवाजे का हैंडल ही ढूंढ रहा है पीछे का। और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी, आप अपने ईएमआई के आउटफ्लो को बढ़ा सकते हो, है ना, बहुत ही आसान। और साथ ही में अगर आप मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो, एंड इसका ये चीज देखो, दिस इज सो लार्ज एज अ स्पॉइलर, बहुत ही एकदम बैटमैन सॉर्ट ऑफ फील दे रहा है। अच्छा, इसका जो रियर डोर हैंडल है वो यहाँ, ओ अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे कई गाड़ियों में होता है ना। ओके, एंड होंडा की भी तो किसी में था, मुझे याद आ रहा है कुछ, देख रहे हैं ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मगर क्योंकि आदत नहीं है। आपको नहीं लग रहा ये 90 डिग्री से, शायद थोड़ा 90 डिग्री ही है, दरवाजा कम नहीं है, अंदर घुसने में लगता है प्रॉब्लम होगी। काफी क्लियरली स्टैंड आउट, देखने में बड़ी सुंदर, फर्स्ट मॉडल जैसा लुक, देखने में बड़ी सुंदर, बढ़िया लगती है। इसके टेल लैंप जैसे फ्रंट, अरे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी वो कनेक्शन ऑफ दिया गया है, एंड बीच में आपके पास ये एरिया है जहाँ पे आपके पास लाइट्स फ्लैश होती रहती है, कुछ भी लिखवा सकते हो, स्टे बैक, डोंट कम क्लोज, यहाँ पे एक्चुअली फ्लैश करेगी वो लाइट्स। एंड बाय द वे, इस गाड़ी में आपके पास 6 पार्किंग सेंसर्स है, आई मुझ में ये खरीद लो, एंड 3 आई लाइक इट तरफ दिए गए। एंड इसका अगर टेल गेट देखोगे तो वो Let me unlock. Electrically opening है. Decent enough boot space है यहाँ पे. एक family का SUV के हिसाब से तो छोटी लग रही है मुझे, कार टाइप लग रही है। It's not raised, it is flat. इंडिया में छोटी होते हैं। 12 volt का socket भी दिया गया that you can use over here, and आपके पास hooks भी दिए गए to hang in stuff. अच्छा, by the way, इसकी seats भी fold हो जाएंगी। हाँ, देखो अंदर से कितनी space है। अच्छा, ये आ जाएंगे। वो नहीं, वो flat है। ये मोर लाइक अ कार लग रही है मुझे, नॉट एन एसयूवी। और अगर मैं इसके बूट को डाउन, आपको यहाँ हमारे डाउन चले जाते हैं सीट्स, तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, 18 इंच का है, बट थिन टायर है। और ये देखेंगे आपने काफी नीटली
इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एलिमेंट्स यहाँ ये लोग ने यूज किया डाला बैग में ओरियल फॉर द चार्जर. आप देख रहे हो ये चार्जर असल इलेक्ट्रिक ही है इन्होंने दिए फॉर द चार्जर. अब इसका चार्जिंग पॉइंट का है व्हाट यू विल वांट टू सी राइट. यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया लेफ्ट साइड पे, ये रहा वाह चार्जिंग पोर्ट. इस पे आप 11 तो इलेक्ट्रिक है, देख बताओ कितनी उसका वो है इन कार चार्जर एंड डीसी फास्ट चार्जर भी दिया गया यहाँ पे. सो आई एम गोना शेयर ऑल द नंबर्स विद यू सो यू नो व्हाट ऑल इज देयर इन द कार. अंदर से इंटीरियर देखने की, इट्स नॉट एन एसयूवी, इट्स अ कार. ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीरूम डिसेंट इनफ है, कोई ज्यादा कमी नहीं है. हेडरूम की भी एक्चुअली कमी नहीं है, छोटी है, थोड़ा टाइट है. अगर आप मेरे हाइट के हो 6 फुट के, मुझे लगा हेडरूम अच्छा रहता है बट डिसेंट इनफ है. एंड मेजर कंप्लेन इज द थाई सपोर्ट, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा और बेटर किया जा सकता है इस गाड़ी में. लाइक अगर मैं ऐसे बैठूं तो ठीक है बट थोड़ा और बेटर थाई सपोर्ट किया जा सकता है. सीट का रिक्लाइन भी अच्छा है बट इट कुड बी अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल. अब जो सीट्स है इस गाड़ी की, खास करके जो टॉप एंड मॉडल आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास टॉप एंड मॉडल है, दिस इज लेदर इट और ये जो दिया गया है दिस इज फैब्रिक और ये एक ऐसा कट जो दिया गया लुक्स प्रीटी नीट. सो मेजरली फैब्रिक है, लेदर इट इज मिनिमल. यहाँ पे मुझे ग्रे कलर नहीं पसंद है. सस्टेनेबल मटेरियल्स जो इन्होंने इस गाड़ी में यूज किए गए, मुझे उसकी छत बहुत अच्छी लग रही है, ऊपर की छत देखना. ओके, 3 3-point सीट बेल्ट मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर एंड आर्म रेस्ट में 2 cup holders अवेलेबल करा दिए गए. ओके, डोर देखोगे तो इट इज क्वाइट यूनिक इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, क्योंकि इसका जो डोर हैंडल है वो ये है, ये लॉक एंड लॉक का बटन यहाँ दे दिया गया है. एंड इवन इफ यू लुक एट द कंट्रोल्स तो ये अलग स्टाइल में दिए गए, वो लेकिन पुल वाले नहीं है तो इससे आपका विंडो डाउन जाता है, विंडो अप जाता है. हाउ यू पुल इट अप तो ऊपर जाते हैं, तो वैसे आप इसे ऊपर पुल करोगे तो ऊपर चला जाएगा. हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाते हैं, टोटल 16 स्पीकर्स दिए गए. नाउ लेट्स लुक एट एक चार्ज में कितना जाती है भैया, ये जो है बहुत कूल लग रहा है एंड पीछे का स्टाइल डिफरेंट है. महंगी गाड़ी में आप नोटिस करते हो, सी दिस, मैं तो ऐसे स्टाइल का देखा ही नहीं है बैक में, नोटिस करते हो. अफोर्डेबल कार्स में जनरली ये सब इंडिया में जो गाड़ियां बनती है उनमें तो जनरली आप ये सब टेक्नोलॉजी या फीचर्स नहीं देखते हो. हाँ, कोई कोई गाड़ियां इंडिया में असेंबल होती है उनमें ये मिलता है बट इंडिया मेड कार्स में ये सब नहीं मिलता है. सो हैट्स ऑफ योर. यहाँ पे आपके पास एक स्लॉट दिया गया तो यू कैन एक्चुअली पुट इन समथिंग योर लाइक अ स्क्रीन वगैरह और उसको यहाँ से चार्ज कर सकते हो. आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दोनों साइड, अच्छा है कि साइड में दिया है. एंड इसका हेडरेस्ट जो है एडजस्ट करने के लिए यहाँ वो बटन, ये बटन प्रेस करो, ऊपर लो नीचे लो, क्वाइट कन्वीनियंट. एसी वेंट्स की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट. यू विल नोटिस कि एसी वेंट्स इसके काफी यूनिक, एकदम अजीब से डिफरेंट स्पेसशिप जैसे लग रहे हैं. एंड नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस दी गई है इस गाड़ी के लिए में समथिंग. बाय द वे लेट्स मूव टू अदर एलिमेंट्स. यहाँ पे फ्लोर जो है गाड़ी का पूरी तरह से फ्लैट है और गाड़ी अच्छी खासी चौड़ी है तो यहाँ 3 लोग अगर बैठ के जाएंगे तो उनको दिक्कत ज्यादा करके नहीं होगी. अच्छी दी है जो है काफी ऊपर तक यहाँ तक आता है. एंड ये इल्यूमिनेटेड सनरूफ है, जो लाइट्स ये लाइंस आप देख रहे हो इसमें, ये एक्चुअली इसको इल्यूमिनेटेड है तो इसमें लाइट जलती है अगर आप रात को. अच्छा वाह, आपके पास यहाँ पे साइड में एक लाइट भी दी गई है व्हिच इज क्वाइट यूजफुल अगर आप रीडिंग लाइट रीड करोगे. आई डोंट नो, रात को मैंने ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया गाड़ी को. नाउ लेट्स शो यू द फ्रंट ऑफ द कार, आ जाइए. इसका इंटीरियर अगर आप देखोगे तो अरे वाह, स्टीयरिंग वाला बड़ा अच्छा है. हर चीज, हर एलिमेंट बहुत ही यूनिक है. और यहाँ पे मिल जाता है हेड्स अप डिस्प्ले और ये मारुति बलिनो या सेल्टॉस जैसा हेड्स अप डिस्प्ले वो सस्ता वाला नहीं है, इट इज अ प्रॉपर हेड्स अप डिस्प्ले. आगे चल के आपको बताएंगे वीडियो में. ओके, लेट्स लुक एट द एंटायर एलिमेंट. स्टीयरिंग मिल जाएगा कितना डिफरेंट सी शेप है, फ्लैट टॉप दिया गया है इस पे. मैंने ऐसा स्टीयरिंग व्हील अभी तक नहीं देखा. दिस थिंग स्टीयरिंग व्हील देखिए मतलब लोगों को कैसे अच्छी लगती है. बटन दिए गए फॉर योर कंट्रोल और ये जो है आपका टॉगल दिया गया है यहाँ पे, दिस आल्सो टॉगल. ये साइड आपको मिल जाता है आपका एडास कंट्रोल्स. ओके, ऑन टॉप यू गेट रीजेनरेटिव ब्रेकिंग माइनस प्लस एंड ये रहा आपका वो क्या होता है मैनुअल गियर का शॉर्टकट. एंड देन व्हाट यू गेट हियर इज अ बूस्ट मोड. ओके, ये सब क्या है भाई, हमने तो कभी नहीं किया है, बूस्ट मोड क्या करेगा. Now let's look at the instrument cluster. Completely digital cluster है यहाँ पे. Brightness अच्छा है इसका and यहाँ पे you get multiple things too. आजकल पूरा स्क्रीन ही हो गया. If you see the navigation, okay. पर ये है कि फिर मुझे आगे का दिखता नहीं है. मुझे तो आगे ही ना दिखे. सब चीजें टेस्ला ने पायनियर की थी बाहर. अच्छा अच्छा. इसमें जो हार्डवेयर यूज किया गया वो ज्यादा फास्टर है देन मोस्ट ऑफ द अदर कार्स. इंडिया में एक ही गाड़ी जिसमें 5G सिम यूज किया गया. इसी के कारण जब आप देखो डैशबोर्ड वो और ऊपर हो गया ना, दिखता ही नहीं है. इट्स क्वाइट, देख रहे हो कितना स्मूथ है ये. ओ भाइयों, मेरे जैसे कुछ सड़क कैसे दिखेगी. आई थिंक आई प्रेस द एसी ऑटो गलती से एंड वहां पे सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया इसका. क्यों, लेट मी जस्ट रिड्यूस द एसी टेम्परेचर. एसी को टच में नहीं देना चाहिए था. आई हैव नेवर बीन इन फेवर ऑफ डूइंग सच अ थिंग. ओके, यहाँ पे आपके पास और भी बहुत कंट्रोल्स दिए गए. ऑटो पार्क है आपके पास, देन यू गेट हार्ड ड्राइव है इसमें, ग्रूव मी यानी कि म्यूजिक, 360 डिग्री कैमरा, सेल्फी. ओके, व्हाट इज दिस, आपके पास यहाँ पे ऊपर कैमरा दे दिया गया है. इफ यू नोटिस ऑन टॉप राइट क्या होगा,
ओके आई डोंट नो व्हाई दिस इज ऑटोमेटिकली गोइंग ऑन ऑटोमेटिक राइट नाउ ऐसे चल ये एक चीज है जो ओके नाउ आई मूव बैक टू अदर तो सेल्फी का क्या फायदा ये तो है कि अगर आपको पीछे के ऊपर नजर रखनी हो ये बोलो वो ज्यादा बेटर है आप देखोगे सो इट गेट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स हियर बेसिकली आपके पास ये सारी चीजें मिलेगी नेविगेशन भी मिलेगा टैक्सी टुक्सी के लिए हो सकता है कि आप ऑन कर दो एंड वी कैन मॉनिटर फिर उसके बाद कॉलिंग म्यूजिक वगैरह क्या चल रहा है सब यहीं पे पता चलेगा सो दैट्स प्रीटी कूल यहाँ पे एंड देन यू गेट एवरीथिंग एल्स परफॉर्मेंस में जा सकते हो यू कैन इवन मूव टू योर बैटरी आप ओवरऑल देखोगे ना इसका स्पीड इसमें आपके पास फन एंड वर्क है पर ये ड्राइवर सीट पे रख दिया ड्राइवर चला रहा है पैसेंजर कैसे मार रहा है ये सब चीजें कर सकेगा अगर ड्राइवर तो चलते हुए नहीं कर सकता तो पैसेंजर को बोलता है ना यू टेल मी इज यू हैव अ हार्ड ड्राइव व्हिच आई हैव शोन यू एंड माय व्हीकल पे जाओगे तो मैं तो कहूंगी मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता हूं मोड्स वगैरह मिल जाएंगे सो ये रहा आपका adaptive cruise है एक आपका everyday mode है और ये आपका race mode which is your performance mode तो ये आपके पास total सारे modes इसके अंदर available करा दिए गए हैं I think I've got you a lot more things अब दूसरी चीजों पे जाते हैं इसका जो mirror है if you notice is auto day and night आपके पास यहाँ पे और शॉर्टकट देंगे तो 360 डिग्री कैमरा का शॉर्टकट है अरे वाह ये आपके पास ऑटो दिल जीत लिया 360 डिग्री कैमरा डन हो गई यहाँ पे आपके डोर शायद से फ्रंट डोर लॉक अनलॉक करने डन हो गई तो मेरी गाड़ी हो गई एंड देन यू गेट दिस टू ओपन योर मूनरूफ आल्सो उसके अलावा आपके पास आगे एक नहीं दो वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए इस गाड़ी के अंदर एंड आपका गियर लेवर अगर आप देखोगे ये कहाँ पे घुसा पड़ा है इट लुक्स प्रीटी नीट बीच में क्या है ये मैंने ऐसा स्पेसशिप में तो गियर यहाँ पे है मूवीज में बट रियल लाइफ में आई हैव नेवर सीन समथिंग ये बीच में क्या है ये बटन भी कैपेसिटिव टाइप ही दिया गया है एंड इंटेलिजेंट कंट्रोल जो महिंद्रा 7W में आता है वो यहाँ पे देखने में गियर्स आर डाउन बाय द वे आप सोचोगे कि ये स्लॉट किसके लिए तो दिस स्लॉट इज फॉर द की टू बी प्लेस्ड ओह अच्छा तो ये रहा आपका अच्छा की जगह तो दी है पॉकेट में ढूंढ कर डालना पड़ती है तो पॉकेट में ठीक है ये अच्छा ना पूरी सही जगह हाँ भूल गया तो हो गया ये भी बहुत छोटा है तो अपनी गाड़ी से कंपेयर कर दूं थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सामान डलेगा ना इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए बनाई जाती है मतलब हां वही तो मैं पूछ रही थी बीच में डंडी आ गई सेपरेशन ये सेपरेशन है अच्छा यहां पे भी सामान रख सकते हैं प्लस आपके पास ओ ये डंडी क्या है अच्छा ऐसी बनाई है डंडी का डिजाइन बहुत ज्यादा नहीं है ओके स्पेस है प्लस फ्रंट सीट्स नोटिस करोगे अगेन आई लाइक द स्टाइलिंग साइड सपोर्ट डिसेंट इनफ है यहां पे ओवरऑल एंड आपको ये जो मैं बोल बीच में वो डंडी नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट सस्टेन रिन्यू सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट दोनों फ्रंट सीट्स जो है आपकी वेंटिलेटेड है को ड्राइवर सीट जो है वेंटिलेटेड है ड्राइवर की मैनुअली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है यहाँ पे उसके अलावा आपके पास 16 स्पीकर आते हैं गाड़ी के अंदर से यू विल नोटिस कि आपके पास यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है एंड एक टॉप पे देखेंगे मेरे सर के ऊपर यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है इस गाड़ी के अंदर सो ऐसे आपके पास टोटल स्पीकर्स मल्टीपल है और डोर पे भी आपके पास स्पीकर दिया गया है सो यू गेट मल्टीपल स्पीकर्स और ये पहली गाड़ी इंडिया में रहेगी जो इस प्राइस पॉइंट में आपको 16 स्पीकर्स देगी वो भी हार्मन कार्डन के वो भी विद डॉल्बी एटमस इंडिया में महंगी गाड़ियां बहुत महंगी गाड़ियां देती है एंड इफ दिस ऑफर्स इट्स फैंटास्टिक भाई देखने में तो बहुत अच्छी है पर अगर ये एसयूवी नहीं है ये कार है ये कार लग रही है मुझे और क्योंकि हाइट में भी नहीं है और अंदर से स्पेस में भी नहीं है और पीछे की डिक्की भी जो बोलते हैं उस वो भी छोटी थी कार टाइप की थी पर देखने में बहुत देखिए माइलेज है कि एक चार्ज में कितने जाती है किलोमीटर इंडिया के हिसाब से कितने किलोमीटर जाएगी पर आ गई देख लो आ तो गई मैं तो वही कह रही हूँ एक बार आ गई क्रिटिकल यही बात है कि जब आपको चार्ज करनी पड़ेगी कितनी देर जा सकते हैं उसके बाद आपको चार्ज करनी पड़ेगी और क्या जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जर्स हैं क्योंकि आपको वो चाहिए होंगे जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जर जिससे आप वहाँ जाके चार्ज कर सकें हमने तो नहीं देखे जब हम इंडिया गए थे इतने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस तो मैंने तो कहीं ध्यान ही नहीं मेरा को दिखा कि वो उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी पर सुंदर है यार ये फ्यूचर की गाड़ियां हैं ऐसे लगता है कि जैसे वो मूवियों में देखते थे ना उस टाइप की वो पूरा वैसी डिजाइन अभी इनकी पहली गाड़ी है लोग चलाएंगे फीडबैक देंगे बताएंगे बीच की डंडी ना है ये ना तो काफी कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे अभी पर देखने में बहुत अच्छी बनाई है फ्यूचरिस्टिक लग रही है और फीचर्स जो दिए हैं वो सारी लग्जरी गाड़ी के इक्वल के फीचर्स हैं और उससे ज्यादा ही हैं अब जैसे 360 कैमरा दे दिया आपको पूरा वो टच स्क्रीन सामने इतना बड़ा दे दिया वो सब जो फीचर्स वो दे रहे हैं ना कमाल है मून रूफ जो दी वो भी बहुत सुंदर है इतनी बड़ी मून रूफ मजा ही आ गया और उसमें लाइट्स भी ओए होए और क्या चाहिए तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।